दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की 80 लोकसभा सीटों से निकल कर आ रही है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए, लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी से बात हुई है इसको लेकर। और कहीं ना कहीं अंदरूनी खबर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर का वर्चस्व खत्म करने के लिए अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी एक मंच पर आएंगे। कहीं ना कहीं इस तरह की अब माहौल बना हुआ है जो जनता में एक मैसेज गया है कि ओम प्रकाश राजभर जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान समाज की बात करते थे, हितैषी की बात करते थे, 69,000 शिक्षक भर्ती और आरक्षण का मुद्दा और तमाम सारे जातिगत जनगणना को लेकर बात करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत चलती है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकारी संस्थाओं को बेच दिया है, पिछड़े दलित आदिवासी वंचित मुसलमान समाज का आरक्षण अपने आप खत्म हो गया, संविधान की बात करते थे ओम प्रकाश राजभर, आज कौन से ऐसे घटनाक्रम से गुजर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट बता दूं, अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी खेल करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव में बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से, गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर की बात हुई इस मुद्दों को लेकर, और एक होकर ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक करियर को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान और कसम खा लिए हैं अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी, क्योंकि ऐसे दो मुहिया सांप जो पिछड़ों दलितों शोषितों की बात करने वाले, सोशलिस्टों की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर मनु आदियों को गोद में चले गए हैं, पैसे के लिए चले गए हैं, अपने बेटे अरुण राजभर को सांसद बनाने के लिए सिर्फ सोचे हैं, क्योंकि राजभर समाज भी ओबीसी समाज में आता है। अगर आरक्षण सरकारी संस्थाएं बिक रही है तो राजभर समाज भी उसमें आरक्षण नहीं मिलेगा, और अगर जातिगत जनगणना नहीं होगा तो राजभर समाज का भी हक हिस्सा नहीं मिलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में लाठी राजभर समाज भी खा रहा है। तो तमाम राजभर समाज जो अंबेडकर नगर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर से लेकर सुल्तानपुर, प्रयागराज से, तमाम ऐसे जिले हैं जो 8-9 जिले हैं जिसमें राजभर समाज का वर्चस्व है, सीटें हैं उसमें, जो कि जनसंख्या, सब राजभर समाज भी विरोध कर रहा है ओम प्रकाश राजभर का भयंकर तरीके से, कि आखिर बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाते 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 ओम प्रकाश राजभर किस लोभ पर, किस मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए। ये बहुत बड़ा सबक है। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति का अंत बिल्कुल शुरू है, क्योंकि खबरें ये निकल के आ रही है कि बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव ने ये ठान लिया है कि 2024 की लड़ाई ऐन वक्त पर कांग्रेस, बहन कुमारी मायावती जी, अखिलेश यादव, पल्लवी पटेल, जयंत चौधरी एक मंच पर आके, और साथ में जो कि आपको बता कि महान दल के नेता हैं जो कि केशव देव मौर्य, एक मंच पर आके अखिलेश यादव को साथ देकर, बहन कुमारी मायावती जी के एक मंच पर लाकर खड़ा करके ओम प्रकाश राजभर और पल्लवी पटेल, संजय निषाद जैसे ओबीसी के दलिद्र नेताओं का वर्चस्व खत्म करने का काम करेंगे। इस तरह की न्यूज अब निकल के आ रही है। अंदर खाने सब में बात हो गई, सेटिंग हो गई है, सीट को लेकर भी फाइनल हो गया है, लेकिन आने वाले समय में गठबंधन होगा। ओम प्रकाश राजभर जैसे दो मुहिया सांप, आरएसएस से बिका हुआ आदमी, ऐसे लोग जनता बोल रही है, मैं तो नहीं जनता बोल रही, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर और तमाम वीडियो का आप देख लीजिए, अभी कितनी वैकेंसी, उसमें कितना जनरल का ओबीसी एससी एसटी समाज का, जिसका शोषित वंचित ओबीसी समाज की बात ओम प्रकाश राजभर करते थे, आरक्षण के मुद्दों की बात करते, सरकारी संस्थाएं बिकने की बात करते थे, और साथ में जो कि जातिगत जनगणना की बात करते थे, ये कुछ भी नहीं हुआ, और ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपने बेटे के लिए इस तरह का मैसेज पूरी पूर्वांचल में फैल गया जनता में कि ओम प्रकाश राजभर बिक गए हैं सिर्फ अपने बच्चे को, अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए। इस तरह की न्यूज ओम प्रकाश राजभर को लोग, जनता कलंकित कर रही है, बुरी तरह से राजभर समाज विद्रोह कर रहा है कि आपको गठबंधन करना था तो मायावती जी से कर लेते, आपको गठबंधन करना था अखिलेश यादव से कर लेते, लेकिन मनु आदि पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन, क्योंकि इस तरह की न्यूज फैल गई है, फैल रहा है ये खबर, मैसेज को आप किसी भी तरह से इसे जो कि वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप से लेकर हर प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करिए, इस तरह का न्यूज फैला है। ओम प्रकाश राजभर पैसे और दौलत के चक्कर में, और कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें आ रही है, ओम प्रकाश राजभर मलाई खाने की वजह से अपने राजभर समाज को बेचकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए, लेकिन राजभर समाज विरोध कर रहा है। बड़ी खबर।